मित्रों प्रणाम। मैं आपका साथी आपका आचार्य आशीष कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ चैनल ओम माधव के कार्यक्रम तंत्र मंत्र व यंत्र में। माँ भगवती महाकाली का आशीर्वाद से हम आज 9000 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना प्रेम दिया। देखिए माता महाकाली का तो मुझ पर बहुत आशीर्वाद है, उनका मैं भक्त हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका तो आशीर्वाद है, लेकिन आपका भी ये प्रेम है कि हम आपके प्रेम के कारण इस लक्ष्य तक पहुँच पाए हैं। आगे भी हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर देंगे आपको और आपसे आशा रखते हैं कि आप भी हमें इसी प्रकार से प्रेम देते रहेंगे। अब ट्रिक्स की एक श्रृंखला मैं लेकर चल रहा हूँ अभी, तो उस श्रृंखला में मैं आपके लिए अभी लेकर आया हूँ मित्रों शत्रु को वश में करने का उपाय, शत्रु के वशीकरण का उपाय। बहुत अच्छा उपाय है, आप देखिए और आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा उपाय। मंगलवार के दिन दोपहर में शमशान घाट जाएं और वहां से एक लकड़ी उठा लाएं। लकड़ी आपको ऐसे नहीं उठानी, आप अपने दोनों हाथ पीछे करेंगे और उनसे लकड़ी आपको उठानी है। एक इतनी लंबी सी लकड़ी आप ले लें और ऐसे आप उस लकड़ी को उठाकर वहां से चले आएंगे अपने घर। उसको आप रख दें एक पूजा स्थान पर या जहां आप कार्य करने वाले हैं वहां पर एक स्थान बनाएं पूजा के लिए, वहां इसको स्थापित कर दें और 11 दिन तक उसको धूप दीप नैवेद्य और गुगुल से पूजा करें। उसके बाद आप 12 दिन उस लकड़ी के 7 टुकड़े करें, इसमें से एक टुकड़ा शत्रु के घर में गाड़ दें कहीं और बाकी 6 टुकड़े आप किसी नदी या तालाब में बहा दें। आपका शत्रु पूर्णतः आपके वश में आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान आपके साथ हैं और आपका ये प्रयोग अवश्य सफल होगा। तो आपको कैसी लगी हमारी क्विक ट्रिक आप हमें सूचित करिएगा अपने लाइक कमेंट के द्वारा। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वह देखते रहें कार्यक्रम तंत्र मंत्र व यंत्र व कुछ अनसुनी अनकही कहानियां एंड क्विक ट्रिक्स। इस सभा के लिए नए मित्रों अन्य सभाओं में आपसे फिर भेंट करूंगा, तब तक के लिए आपका कल्याण हो। माँ भगवती आपका कल्याण करें और नमस्कार।